कि मेरे मुस्कान निराज साहब का शेर है ना कि वो शख्स चूरमा है मगर बाप भी तो है। बिल्कुल रोटी खरीद लाया है तलवार बेच कर। अब शायर होने के साथ साथ सांसद की मुंह कुछ मजबूरी लगाना पड़ता है, लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं एक नज्म सुनाता हूँ आप। अच्छा, आप अगर खड़े भी हैं तो खड़े रहिए, लेकिन शोर मत करिए। शोर तो बस दांत देते वक्त करिए, उसके बाद सुकून से रहिए। बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है, ये मोहब्बत की महफिल है, इसमें तो आप जिस जोश और जज्बे के साथ खड़े हैं मैं उसके लिए तो आपको मुबारकबाद देने के अलावा और कुछ नहीं कह सकता। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। आज की शाम करौली डाइस पर मौजूद तमाम जिम्मेदारान, हमारे शायर दोस्त और सामने मौजूद हजारों की तादाद में नौजवान साथी, मैं दुआ करता हूँ, एक दुआया नज्म पढ़ता हूँ। ये चारों तरफ एक बहस जब खड़ी की जा रही है, भारत इंडिया, इंडिया भारत, ऐसे में इमरान खड़ा होकर के एक नज्म सुनाता हूँ। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। अगला जो मिसरा है उस पे, इस दुआ पे आपका उठा हुआ हाथ और उसका संदेशा पूरे देश में जाएगा। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। ये मिसरा कौन पढ़ रहा है? इमरान पढ़ रहा है। इमरान पढ़ रहा है कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला को सलामत रखना। मेरा मस्कन इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। एक तरफ इधर अगर खड़े भी हैं तो आप इतना शोर ना करें, देखिएगा क्या चलेगा। आप बैठे रहिए, खड़े रहिए, लेकिन सुकून से। इसकी मिट्टी पे हर गरीब निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर, अपनी सांसों का मैं संगीत से मेरी निस्बत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। करौली वालों, बहुत जज्बाती होकर के मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुल्क से रूह दर्शता बड़ा जज्बाती है, तीरथ को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। पिछले दिनों तक
मैं पार्लियामेंट पहुंचा लेकिन पार्लियामेंट में डिबेट हो रही और टॉपिक वही था सबका साथ सबका विकास। कहां जाएगा भाई उसमें क्या ऊपर जाएगा? ठीक है, देखिए दो बात है, आपकी वजह से पुलिस प्रशासन के जो साथी हैं उनको अनुशासन बनाने में कोई दिक्कत ना आए, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है तो फिर आपको भी प्रशासन का सहयोग करना है। थोड़ा सा पीछे होकर के खड़े रहे, बाकी बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मौके से सुन रहे हैं और साथियों से भी गुजारिश करूंगा जो व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं आप बस व्यवस्था बनाते रहे, ये सब मोहब्बत में आए लोग हैं। मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, डिबेट चल रही थी और उस डिबेट में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ पार्लियामेंट में, तो मैंने ये चार मिसल वहां भी पढ़े थे जो मैं यहाँ पढ़ने चल रहा हूँ। अच्छा हाजी साहब की बात पे इतना लब्बैक कहते हैं लोग, इतना अमीन कहते हैं लोग, हाजी साहब कहते हैं उठ जाइए तो फिर ये उठ जाते हैं, बैठने को कहते हैं तो बैठ जाते हैं। अच्छा पुलिस प्रशासन के साथी भी बड़े शानदार है, क्या शानदार तरीके से अनुशासन मेंटेन कर रहे हैं। वो पुलिस विभाग में हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है कि एक दिन एक दरोगा जी कुएं में गिर गए। अनुशासन का डिसिप्लिन का महत्व क्या होता है कि दरोगा जी कुएं में गिर गए, जा रहे थे रास्ते में अंधेरा था, देख नहीं पाए, गिर गए। उनके साथ जो सिपाही चल रहा था वो दौड़ा पीछे भागा, देखा एक और कांस्टेबल आ रहा है, सिपाही आ रहा है, उसने कहा कि साहब अंदर गिर गए, उन्हें निकालना पड़ेगा। उन लोगों ने कहीं से रस्सी वस्सी का इंतजाम किया, रस्सी डाल दी और ऊपर से आवाज लगाई कि आप जो भी है ऊपर आ जाएं। साहब दरोगा जी ने रस्सी पकड़ी और रस्सी किसी तरह से चढ़ते 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 जब कुएं के बिल्कुल बराबरी पर आ गए और बाहर ही निकलने वाले थे, इतने में उस कांस्टेबल ने देखा कि ये तो हमारे दरोगा जी हैं। उस पर डिसिप्लिन याद आया, उसने रस्सी छोड़ के कहा जय हिंद सर, दरोगा जी फिर नीचे डर के दोनों भागे। एसपी साहब को पता चला कि कोई एक आदमी है जो गिरा हुआ है, एसपी साहब ने रस्सी वस्सी मंगवाई, रस्सी डाली और कहा बाहर आ जाओ। दरोगा जी ने रस्सी पकड़ी और रस्सी पकड़ के किसी तरह से बिल्कुल जब बराबरी पर आए और निकलने वाले थे, इतने में दरोगा जी ने देखा कि रस्सी पकड़ के खराब आदमी तो हमारा एसपी है, उन्हें डिसिप्लिन याद आया, दरोगा जी को तो खुद लटके हुए थे, जय हिंद सर फिर नीचे। ये डिसिप्लिन बहुत परेशान करता है, लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा जिस नेक तरह से, जिस मोहब्बत के साथ आज के इस कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है, एक बार जोरदार ताली करौली प्रशासन के लिए। तो मैं ये बंद पढ़ रहा हूं साहब, मेरे माँ की अकीदत को सलामत, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बंद सुनना उषा, कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, क्या कहना बाबा, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। और अब जो दो मिसरे हैं उन्हें सुनना, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है, मेरी रूहानी मोहब्बत सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है और